हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल अर्चना फैशन ब्लॉग में। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप आज सब हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना ग्रॉसरी का जो सामान है, ग्रॉसरी हॉल शेयर करने जा रही हूँ। मैं कुछ ही दिन पहले ग्रॉसरी का सामान लेने के लिए गई थी, तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों के साथ ग्रॉसरी का जो हॉल है वो शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, ग्रॉसरी का हॉल शेयर करने से पहले मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने आज ये ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई है। और पिछला मैंने ब्लॉग दिखाया है अपना ब्लाउज का कलेक्शन, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। उसमें मैंने बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन के ब्लाउज दिखाए हैं, और उन्हीं में से आज एक ये ब्लाउज है जो मैंने वेयर किया हुआ है। तो आप लोग देख के बताइएगा कैसा लग रहा है। ये देखिए, मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि कैसी लग रही हूं मैं। तो चलिए आप लोगों को अब दिखाती हूँ अपना ग्रॉसरी का सामान कि मैंने क्या क्या परचेज किया हुआ है। तो दोस्तों, ये है हमारी छोटी सी ग्रॉसरी की शॉप। शॉप सी लग रही है मुझे। सारा सामान मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं वैसे भी जब भी सामान लेती हूँ तो थोड़ा स्टॉक में ले लेती हूँ। पिछला आपने देखा होगा हमारा ग्रॉसरी का ब्लॉग, लगभग 3 मंथ पहले दिवाली के बाद मैंने लिया था, आया था। और इस बार आया है होली से पहले, क्योंकि मैंने कहा होली की भी तैयारी करनी है तो होली के लिए कुछ सामान चाहिए होगा, और बाकी खत्म भी हो रहा था तो हम लोग एक साथ ले लेते हैं। बाकी अगर बीच में कुछ खत्म होता है तो उसके लिए तो हम फ्लिपकार्ट वगैरह से फिर ऑनलाइन मंगा लेते हैं। तो चलिए आज मैं आपको दिखा रही हूँ। स्टार्टिंग करते हैं बर्तन धुलने से, विम बार से। तो ये देखिए, ये विम के मैंने ये हैं, लगभग आपको बता दूँ ये 500 ml के हैं विम के। ये 3 पाउच मैंने लिए हुए हैं, ये देखिए आप, 3 पाउच लिए हैं मैंने विम का। और ये है आपका मूंगफली दाना, मुझे वहाँ ओपन में अच्छा लग रहा था तो मैंने 1 kg मूंगफली दाना ले लिया। और ये देखिए, ये रखा है हमारा ब्रेकफास्ट, ये मैंने ले लिए हैं सफोला का मसाला ओट्स। ये वाला मुझे काफ़ी टेस्टी लगता है मसाला ओट्स। तो ये मैंने इस तरीके से 3 पैकेट ले लिए हैं। आपको कभी भी हेल्दी मतलब लाइट भूख लगी हो तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट को इवनिंग टाइम काफ़ी अच्छा रहता है। ये ओट्स फटाफट 2 मिनट में तैयार भी हो जाता है, कोई भी बना सकता है इसको। और उसके बाद ये हमारे लगभग आप देख रहे होंगे, ये देखो दिखाई दे रहा है लोगों को, ये हमारे पैकेट रखे हुए हैं 6। मेरे हाथ में इस बार 6 पैकेट ले लिए हैं। ये है आपका ब्राउन शुगर, तो इसलिए उन्होंने ले लिए होंगे कि कभी कभी हम लोग जहाँ से लेते हैं तो ये नई भी मिलती है जब जाते हैं, तो अभी उनको दिख रहा होगा तो यूज होती है तो अच्छा है, तो ले लिया है उन्होंने ब्राउन शुगर नेचुरल ब्राउन। इसमें इस तरीके की ये देखिए ब्राउन होती है, तो सब लोग कहते हैं कि जितनी व्हाइट चीनी आप कम यूज करें तो अच्छा है। तो इसकी चाय वगैरह अच्छी बनती है, मुझे तो टेस्टी लगती है। आप पिछले ब्लॉग में भी मैंने दिखाया होगा कि ये जरूर आई थी हमारे यहाँ। तो ये 6 पैकेट जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखाती हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। ये है हमारा राजमा, और राजमा और दालें जो भी हैं वो सब हमारे इसी कंपनी की हैं। ये है आग्रो प्योर, और इसका मुझे जो दाल वगैरह है वो काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि जल्दी पक भी जाता है और टेस्टी भी है। तो ये 1 पैकेट राजमा आया हुआ है। और ये है ये वाली भी, कुछ दालें हमारी पिछली पड़ी हुई भी हैं जो नई जो हैं पहले से वो हमने नहीं ली हैं और जो खत्म हो रही। तो ये है मूंग धुली हुई, तो इसके मैंने 3 पैकेट ले लिए हैं। और ये है चना दाल, एक ही कंपनी है आप लोग देख सकते होंगे। ये चना दाल के भी 3 पैकेट लिए हुए हैं। और उसके बाद ये अरहर दाल, ये भी उसी ब्रांड का है। तो ये अरहर दाल के, तो अरहर दाल हमारे घर में ज़्यादा लगता है, हमारे बेटे को भी पसंद है अरहर की दाल और चावल, तो अरहर के दाल तो जल्दी ही ज़्यादा बनता है। तो अरहर के दाल के मैंने लिए हैं लगभग ये यहाँ के 4 पैकेट।
और उसके बाद क्या ज्यादा लगता है, ये टाटा टी। तो कितने ग्राम की है, 500 ग्राम की है, 500 ग्राम की है। तो ये टाटा टी के भी हमने लगभग देखा है आप 3 पैकेट ले लिए हैं। और जो लॉर्ड्स के माल से हमने मॉल से हम लेते हैं तो वहां पे 3 पैकेट लेने से थोड़ा और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, तो हम लोग फिर वही ले लेते हैं। उसके बाद हमारे मसाले में हल्दी धनिया पहले से ही था, तो मैंने ये ले लिया है गरम मसाला कैच का, काफी अच्छा, मुझे तो अच्छा लगता है, पता नहीं कैच का मसाला थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा लगता है तो मुझे अच्छा लगता है। ये है गरम मसाला, मैं सारी वेज में ज्यादातर यही डालती हूँ। और चिली, चिली खत्म हो जाती है तो कैच का रेड चिली पाउडर है, ये भी मैंने आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 पैकेट लिए हुए हैं। और मेरा दलिया खत्म हो रहा था काफी दिनों से, तो ये मैंने दलिया के इस पार ले लिए हैं, 4 पैकेट ले लिए हैं, क्योंकि सुबह नाश्ते में अगर भून के रख लो तो अच्छा होता है, दलिया बना लो कभी भी, या रात को नाइट में लाइट खाने के लिए। तो ये मैंने ले लिया है दलिया। और ये है आपका न्यूट्रेला, ये चंकी पुलाव वगैरह बनाते हैं हम लोग तो उसके लिए काम आता है। और हमने लिया है होली के लिए कुछ मैदा, वैसे तो हमारे पास कुछ मैदा रखा भी था तो मैंने कहा चलो एक पैकेट और ले लूं, कहीं हम नमक पारे वगैरह और गुजिया बनाए तो उसके लिए, नमक पारे के लिए थोड़ा, गुजिया के लिए तो रखा था पहले से हमारे पास, हम ले आते हैं कि कभी भटूरे वटूरे बनाने हो। ये एक मैदा का पैकेट और एक ये राजधानी बेसन, और ये मखाना, ये भी चाय के साथ स्नैक्स में अच्छा काम आता है तो मैं ये ले आती हूँ, तुरंत का तुरंत कुछ ना हो तो थोड़ा सा घी डाल के भून लो। तो ये हम लाए हैं 2 पैकेट। और ये है हमारी 2 मिनट वाली मैगी, तो बच्चों का तो यही फेवरेट ब्रेकफास्ट होता है, तो ये पैकेट हम भी ये 3 लेके आए, एक तो ये यूज हो गया, एक और नीचे रखा हुआ है, तो 3 पैकेट हमने मैगी के ले लिए। और ये 3 पैकेट आए थे, शॉर्ट को ऊपर ऊपर से 2 मिल गए तो उसने उनको खत्म कर दिया, ये कि ये छुपा था, अभी अब दिखाऊंगी उसको। तो उसके बाद ये है आपके स्कॉच ब्राइट बर्तन स्क्रब करने के लिए, तो ये मैंने ले लिए थे एक साथ। और आप लोगों को दिखाऊं, ये है हमारी मिश्री जिससे हमारे पतिदेव सुबह सुबह भगवान जी को भोग लगाते हैं, तो ये कुछ मिश्री ले ली है हमने। ये ले लिया है आलमंड, और ये है आपका काजू, तो ये 2 पैकेट आ गए हैं। और आज हम लोगों ने लिया है, ये देखिए इस बार हमने अमूल का काऊ घी लिया हुआ है, तो ये 2 पैकेट आए हुए हैं। कभी कभी अमूल का ले लेते हैं, कभी कभी पतंजलि का ले लेते हैं, तो हम लोग यही ज़्यादातर यूज करते हैं। तो और उसके बाद सर्फ अभी हमारे पास था तो उसके बाद हमने ये सर्फ एक्सल साबुन ले लिया, ये देख रहे होंगे आप लोग कितने हैं 3 है, तो ये 3 वो ले लिए हैं। और ये है हमारा सरसों का तेल जो मैंने ब्रांड लिया है पंसारी का, मुझे सरसों का तेल अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों प्योर सा लगता है थोड़ा, तो मैं ये वाला ही ढूंढती हूँ। तो मैंने इसमें अलग अलग बॉटल में लिया हुआ है, कैन थोड़ा सा इससे महंगी भी आती है और लेने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कैन किसी यूज नहीं होती है, बाद में हमें फेंकनी पड़ती है, और ये बॉटल एक एक आप निकालते जाओ और किसी में डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने ये ले लिया सरसों का तेल, और ये आप देख सकते हैं रिफाइंड, मेरे पतिदेव को वहाँ पे सेल्समैन ने तुरंत कन्विंस कर लिया, नहीं नहीं भैया ये ले लो ये ले लो, मैं मना कर रही थी कि हम रिफाइंड कम यूज करते हैं तो इतना मत लो, इतना क्या करेंगे 5 और प्लस 7 kg, मैंने कहा थोड़ा कम लेंगे तो अच्छा है, कम यूज होगा, लेकिन उसने बहुत जल्दी कन्विंस कर लिया कि नहीं नहीं भैया ले लो, और इसमें इसकी एक्सपायरी डेट भी काफ़ी है, अभी 2 साल हैं, तो आप इसको ले जाओ, ये वाला अच्छा है।
ये कौन सी कंपनी है आप देखिए, ये है बंच का हडसन कैनोला ऑयल है। तो इसमें लिखा है, आपको बताती हूँ, लो ऑब्जर्व है, कीप्स योर फूड लाइट, और 91% इसमें गुड फैट्स है, हेल्प रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, और ओमेगा फैटी 3 और 6 है, हेल्थ कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल होगा, मेंटेन होगा कि क्या होगा, तो ये तो यूज करने से ही पता चलेगा, कंट्रोल होगा कोलेस्ट्रॉल या बढ़ेगा। और तो ये हो गया आपका। तो अभी मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने एक ले लिया है बैसलिन का है हेल्दी, इसमें सन प्लस पोल्यूशन SPF 30 है, मल्टी विटामिन यूवी लोशन है। तो मैंने कहा चलो इस बार इसको ले लेते हैं, तो ये लिया हुआ है। और पिछली बार मैंने किसके लिए थे, शायद एवर यूथ के लिए थे फेस वॉश, इस बार मैंने चेंज कर दिया, वो भी अच्छा था, लेकिन मैंने कहा चलो चेंज कर देते हैं। ये मैंने जाय के 1 buy 1 get 1 लिया हुआ है, जाय का भी मुझे कंपनी अच्छी लगती है, अभी मैं थोड़ा इनके प्रोडक्ट यूज करने लगी हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने जॉय का फेस वॉश लिया है, साथ में ये स्किन फ्रूट्स फ्रूट मॉइस्चराइजर, अभी तो चाहिए ही होता है, आप बर्तन धुलते हैं ऐसे तो हाथ पैर ड्राई हो जाते हैं, तो ये मैंने जॉय का लिया है इस बार। और ये गर्मी आ गई है तो इनको भी भगाना है, ये ले ली है, ये मेरे पतिदेव ने अपने लिए लिया है ये वाला लिया है उन्होंने, मैंने कहा ले लो क्या हुआ, देखते हैं, पता नहीं यूज तो वही करेंगे, बस लिया हुआ है लेते हैं। और ये मैंने बीट लिया हुआ है 3 packets एक साथ ले लिए, छोटे होते हैं इनमें। और उसके बाद आती हूँ ये सेल, ये भी चाहिए ही होते हैं, मतलब कभी रिमोट का ख़त्म है, कभी टीवी के रिमोट का, कभी एसी के रिमोट का, कभी घड़ी का, तो ये मैंने ले लिए हैं, ये छोटा वाला है, एक ये है, डालते रहो। और ये बच्चों की पढ़ाई के लिए, ये जेल वाला शॉर के लिए, और बॉल पेन ईशा के लिए। तो उसके बाद ये कसूरी मेथी का पैकेट है, इसका है गोल्डी का है, गोल्डी का कसूरी मेथी है आपका। और ये कुछ हमारे पतिदेव ने ले लिया है, चकदे तिल है, कभी कभी यूज आ जाते हैं तो रखे रहते हैं, तो ये तिल है, ये नैपकिन का पैकेट है, और ये है वाटरमेलन सीड्स, तो ये लिए हैं। और उसके बाद ये है आपका ए प्लस के इस बार आ गए हैं काफ़ी, ये है सौंफ, तो सौंफ की भी तो ज़रूरत पड़ती रहती है, और मैं कभी कभी ऐसे ही खा लेती हूँ सौंफ और इसकी, तो ये सौंफ हो गई आपकी। और ये देखिए ये लाई हूँ मैं, ये 3 आप देख को दिख रहे होंगे, ये देखिए ये है 3 आपके गोदरेज का है वॉलेट, उसमें स्प्रे रूम फ्रेशनर, क्योंकि आजकल रूम फ्रेशनर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, वैसे भी ले आते थे लेकिन अभी हमारा है घर पे सिम्भा, तो कभी कभी हम लोगों को अभी उसकी स्मेल डाइजेस्ट नहीं होती है, तो हम लोग ये रूम फ्रेश करते रहते हैं, ये है। तो दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, आप शेयर करेंगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकेंगे। और चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।